अभिनेता अक्षय कुमार की लाइफ की सुपरहिट मूवी जानवर साल 1999 में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी, जिसके दमदार कलाकार और जबरदस्त कहानी ने ऑडियंस को रुला दिया था। तभी तो फिल्म के 22 साल बाद भी दर्शकों को जानवर मूवी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस फिल्म में अपनी दमदार भूमिका अदा करके फिल्म के वो सारे कलाकार आज बीते 21 सालों बाद काफी बदल गए हैं, इतनी कि आज आप उन्हें देखकर पहचान ही नहीं पाएंगे। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपको इन सितारों के आज के हालातों से रूबरू कराने वाले हैं, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नंबर 1, डॉली बिंद्रा। फिल्म में सपोर्टिंग कैरेक्टर बनकर अभिनेत्री डॉली बिंद्रा ने सपना की फ्रेंड का किरदार निभाया था, जो अपनी फ्रेंड का हर कदम हर पल पर साथ देते हुए नजर आई थी। बात करें 22 साल में इनके अंदर आए चेंजेस की, तो ये फिल्म में रंग बिरंगे सूट साड़ी पहने, बहुत सारे मेकअप में हट्टी कट्टी प्यारी नजर आई थी। लेकिन अब ये स्टाइलिश ड्रेसेस और हैवी सूट पहने, विद और विदाउट मेकअप, शॉर्ट हेयर में बढ़ते हुए वजन के साथ 51 साल की जानदार महिला नजर आती हैं। बीते वक्त में इनका चेहरा और ये दोनों ही बहुत भारी हो गए हैं। फिलहाल ये काफी समय से बड़े पर्दे पर नहीं दिख रही हैं, पर ये आज अपनी पर्सनल लाइफ में काफी सुकून से जी रही हैं। नंबर 2, आशीष विद्यार्थी। इंस्पेक्टर प्रधान बनकर आशीष विद्यार्थी ने तो मूवी में अपनी कमाल की अदाकारी दिखाई थी, जो पहली बार एक सकारात्मक रूप में दिखकर लोगों के चहीते बन गए थे। लेकिन अगर बात करें इनके बदले हुए लुक के बारे में, तो जहां ये फिल्म में खाकी वर्दी पहने घुंघराले बालों के साथ स्लिम ट्रिम नॉर्मल मैन दिखे थे, वही अब ये 59 साल की उम्र में सफेद बालों के साथ कैजुअल ड्रेस पहने नॉर्मल वेट में ठीक ठाक दिखाई देते हैं। बदलते वक्त के साथ इनके चेहरे, पर्सनालिटी और लुक में भी काफी बदलाव आया है। इसके बाद से ये अपने फैमिली के साथ आज तक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। नंबर 3, आशुतोष राणा। दिग्गज अभिनेता आशुतोष राणा ने इस फिल्म में अब्दुल के किरदार से जो लोगों को डराया था, लोग उसे आज भी भूले नहीं हैं। लेकिन अगर बात करें अभिनेता आशुतोष राणा के रियल लाइफ लुक के बारे में, जहां फिल्म में ये खतरनाक गुंडे के रूप में काले कपड़े पहने डेंजर हेयर स्टाइल में काफी खतरनाक दिखे थे, वहीं 22 साल बाद ये कुर्ता पैजामा कैजुअल आउटफिट पहने लंबे बालों के साथ चश्मा लगाए काफी हट्टे कट्टे दिखते हैं, पर इनका फेस लुक अब काफी चेंज हो चुका है। इन्होंने भी आज अपना एक्टिंग करियर जारी रखा हुआ है और ये आज अपने दो बेटे और एक प्यारी सी पत्नी के साथ मुंबई में अच्छा खासा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नंबर 4, अक्षय कुमार। पूरी फिल्म में बादशाह और बप्पू लोहार की भूमिका निभाकर अक्षय कुमार ने यह साबित कर दिया था कि वर्सेटाइल एक्टिंग करना कोई इनसे सीखे। लेकिन अगर बात करें अक्षय कुमार के रियल लुक के बारे में, तो जहां ये फिल्म में नौजवान लुक के साथ जीन्स शर्ट पहने हैंडसम दिखे थे, वहीं ये बीते 22 सालों में अब काफी फिट स्लिम ट्रिम होकर स्टाइलिश आउटफिट पहनने के साथ साथ महंगे शूज वॉच पहने बेहद अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं। पर पहले के मुकाबले इनका चमकता हुआ चेहरा आज थोड़ा डल पड़ चुका है, जहां पर आज इनकी फेस की स्किन थोड़ी लूज भी हो चुकी है। लेकिन ऑल ओवर आज ये 53 साल की एज में भी काफी स्मार्ट हैंडसम नजर आते हैं। वही बता दें कि आज ये बॉलीवुड फिल्मों में सक्रिय हैं और फिलहाल ये मुंबई में अपने लग्जरियस हाउस में फुल फैमिली के साथ अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हैं। नंबर 5, आदित्य कपाड़िया। फिल्म में छोटे बच्चे राजू के किरदार में दिखाई दिए थे अभिनेता आदित्य कपाड़िया, जो फिल्म में अक्षय और शिल्पा शेट्टी के आंखों के तारे थे। लेकिन बात करें 22 सालों में इनके बदलते हुए लुक के बारे में, तो हम बता दें जहां ये फिल्मों में निकर टी शर्ट फुल पैंट पहने बेबी हेयर कट में क्यूट दिखते थे, वहीं अब ये 34 साल के हैंडसम बॉय दिखते हैं, क्योंकि ये पैंट कोट शर्ट पहने लंबे और घने बालों में काफी स्टाइलिश नजर आते हैं, पर बचपन से लेकर अभी तक ये सिर्फ क्यूट ही नजर आते हैं। वहीं इन्होंने आज फिल्मी दुनिया से थोड़ी दूरी बना ली है, जहां पर ये अपनी प्यारी वाइफ के साथ मुंबई के आलिशान बंगलों में रहते हैं। तो दोस्तों, आपको जानवर मूवी में किस कलाकार का अभिनय सबसे ज्यादा अच्छा लगा था? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और भी मजेदार वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।